मैं आपको सफलता दे आपके इस मिशन में। थैंक यू सो मच। और आपका ये जो मिशन है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। थैंक यू सो मच। ये हमारा जीओटी का भी ये नियम रहा है कि हम ग्रीन इंडिया एंड क्लीन इंडिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। अपना नाम रोशन करके आने। और सैम और भाई आज आपने देख लिया अपना कालू रेडी हो गया है और भाई फुल टेंट और कैंपिंग का भाई पूरा मूड है और बहुत मजा आने वाला है। और आज हमने बता दिया है सबको जो हमारा मीटअप था कि ये मेरा 40 दिन का ट्रिप है और 14,000 किलोमीटर का और 35 सिटीज में से मैं निकल के जाऊंगा और ये बहुत अमेजिंग होने वाला है भाई। सो भाई अभी जेएस भैया और अमरजीत भैया भी आने वाले हैं और वो भी इस गाड़ी को देख के अपना रिव्यू देंगे कि कैसी लग रही है। बट पुल कितने बताया, गाड़ी भाई बवाल लग रही है और भाई बवाल कमाल और धमाल करने वाला ये एपिसोड होने वाला है क्योंकि ये 40 दिन का जो सीरीज रहेगा ना भाई साहब आग लगाने वाला है। बट गाइज आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए और ज्यादा सपोर्ट करना। जिस भी मैं स्टेट में जाऊंगा मैं अपनी स्टोरी डालता रहूंगा ताकि आप लोग मुझसे जुड़े रहे और हर स्टेट से बंदा मुझसे मिले क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे अच्छे दोस्त बने जिनसे मैं मिलूं और हर स्टेट में मेरा एक घर हो। तो भाई ये चीजें कहने की होती हैं और करने की होती हैं। तो भाई अपना कालो जिंदाबाद और भाई अभी करते हैं जेएस भैया से बातें और अमित भैया से बातें और भाई बहुत 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 मजा आ रहा है क्योंकि मीटअप ग्रैंड हुआ है यार। स्पेशल रीजन से हम लोग यहाँ हैं। मेरे सामने एक बंदा खड़ा है जो 40 दिन के ट्रिप पे जा रहा है और वो भी अकेले। वो कह रहा है मैं इस ट्रिप पे एक तो ब्यूटी एक्सप्लोर करूँगा इंडिया के साथ में मैं खुद को अपने को और अच्छे से जान पाऊँगा। एंड ही इज दैट गाय जो मेरे पीछे है सैम। वेंचर ऑन रोड और पीछे देख रहे हो ये इसका चलता फिरता घर है रेस्टोरेंट है ना सब कुछ भी है। और इसने गाड़ी तैयार कराई है क्योंकि भाई ये एक बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहा है और बहुत लोगों का सपना होता है। इनफैक्ट मेरा भी सपना है बट मेरी बीवी जाने नहीं देती। बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी फॉर यू। अपना नाम रोशन करके आना है और अच्छे से इंडिया एक्सप्लोर करना और बहुत सारा कॉन्टेंट बनाना है। एंड दोस्तों अमेजिंग कंटेंट आएगा इसके चैनल पे फॉलो करने का है वेंचर ऑन रोड को। बट फिलहाल यहाँ पे क्या क्या मॉड्स हैं। यहाँ से सीढ़ी चढ़ के बंदा ऊपर जाएगा टेंट में और सो जाएगा जी बिल्कुल। विंडो भी है भैया विंडो की इसमें सारी फीलिंग आ गई भाई मेरे को ऑलरेडी फीलिंग आ गई मैंने भाई। हाँ बताओ बंदा अकेले जाएगा या अकेले जाएगा? अकेले ही चलेगा अभी का। अकेले जाएगा रास्ते में मान लो उधर हम चलते गए लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। ये अच्छा था। ये देख रहे हो ये टेंट है भाई ऐसे उठाया नीचे देखो फीलिंग अलग है यार ये अलग फीलिंग और ये क्या सॉलिड चीज है मतलब है ना ऑल वेदर प्रूफ है मेरे हिसाब से। हाँ, सारा से भी बचा रहा है बारिश से भी बचाएगा सर्दी से भी बचाएगा जी बाकी इंतजाम पूरे होंगे मतलब वैसे सब है ना। तो लवली यार दिस इज ग्रेट एंड ग्राफिक्स बहुत सारे करा रखे हैं। लड़का खुद इतना स्मार्ट है इसको किसी और की फोटो की जरूरत नहीं है तो अपना ही फोटो गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ी में चिपका दिया है दिस इज गुड। एंड यहाँ भी देख रहे हो वेंचर ऑन रोड ये भी बहुत बढ़िया चीज इसने यहाँ पे लगाई है एंड सी थ्रू है बेसिकली जो स्टिकर है ना अंदर से इसको पीछे का दिखेगा सेम थिंग हियर। ग्राफिक्स पहले ही थे बट यहाँ एक बढ़िया चीज लिखी है सोलो ट्रेवलर 14,000 किलोमीटर। तो एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है? ये हम भैया दिल्ली टू लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ से फिर अपना मेघालय रहेगा। क्या बात है। और फिर वहाँ से बाउंड्री होते हुए सीधा भाई मैं तो बस इतना बोलूंगा कि भाई का ख्याल रखना सबके शहरों में आ रहा है सबकी सिटीज में आ रहा है इसको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे भी अपडेट्स देखो कहाँ कहाँ रुक रहा है और जहाँ हो पाए अगर ये स्टोरी में बोले कि मैं यहाँ फंस गया मुझे हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली दोस्तों हेल्प करने का है क्योंकि ऐसी चीज़ों को करने के लिए ना एक तो जज्बा चाहिए जनून चाहिए गट्स चाहिए बाद में थोड़े पैसे भी चाहिए लाखों खर्चा हो जाते हैं। आप जब कंटेंट देखोगे तो ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलता है ना भाई। जी भैया बिल्कुल। अभी आगे देखते हैं और क्या मोटिवेशन है और अपना मैप लगाया हुआ है। ओ हो अब तो इम्पोर्टेंट चीज जो मेरी नजर पड़ी जिस चीज पे पूरा इसने भारत का यहाँ पे नक्शा बनाया हुआ है एंड सारी डिटेल दे रखी है जो जो स्टेट से विजिट करने वाला है। दिस इज नाइस मैन गुड मॉड्स डन। बट सबसे खूबसूरत चीज ना इस गाड़ी की यही है और डिस्प्ले देखो ना कितना बढ़िया है ऐसे ही लग रहा है कि हम एक कैंपिंग साइट पे हैं
और गाड़ी खड़ी है और हम लोग कैंप कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे चेयर वेयर बिछा के खाना बनाया जा रहा है। बट इमेजिन करके मुझे तो फील गुड हो गया। कैंपिंग वाला आइडिया आपका चला, तो करा ये ट्रिप, बट अगला ट्रिप इकट्ठे करेंगे भाई। पक्का पक्का, वो ओवर लैंडिंग ट्रिप होगा। हम लोग मतलब होटल्स नहीं लेंगे, इसी में सोएंगे और खुद ही बना के खाएंगे। मैं तब तक कुछ डिशेस सीख लेता हूँ। मैगी मुझे आती है, अंडा मुझे आता है, बाकी क्या खाना पसंद करता है वो मैं थोड़ा सीख लूंगा। चाय भी बनानी आती है मेरे को। ये बढ़िया, मेन चाय का ही मुद्दा। क्या कहना चाहोगे? शायद अरमान, अरमान जाग रहे ना। आई हैव अ क्वेश्चन। इसको जैसे आपने ये खुल के सेटअप किया, इसको पूरा पैक करके कितनी देर लगती है? कितना टाइम लगता? पाँच मिनट में मतलब ये पूरा सेटअप पैक हो जाएगा। खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। ये अच्छा यार है। एंड कौन सी कंपनी का है ये? कंपनी ये लुधियाना में है भैया, वो अपने उन्होंने कस्टम बना के कस्टम बनाते हैं। और ये जो स्टेयर्स हैं सेम सब उसका पूरा इसमें सेटअप रहता है। एक नंबर भाई। ओके जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। और ये आपका नया घर मुबारक हो आपको। थैंक यू। और एक बात और भैया, मेरी जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था भैया, आप गाड़ी का टेंट को देखे क्या बोलना चाहेंगे? गाड़ी कैसी लग रही है? एक ही वर्ड में बोलूं जी, वाओ। वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे ग्रुप के एडमिन अमरजीत भैया ने एक वो वर्ड मतलब अच्छा अप्रिशिएट करते हैं हर चीज को, बट उन्होंने मैं फाइनली इसलिए मीटअप रखा कि भैया को दिखा के हर चीज फाइनली करनी थी, तो भैया ने बोला वेल एंड गुड है, तो जा और अच्छे से अपनी जर्नी कंप्लीट कर। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। परमात्मा आपको सफलता दे आपके इस मिशन में। थैंक यू सो मच। और आपका ये जो मिशन है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, थैंक यू सो मच। ये हमारा जीओटी का भी ये नियम रहा है कि हम ग्रीन इंडिया एंड क्लीन इंडिया। हमारा कैफे है, इसमें भी आप देखना किसी में जाना कि ग्रीनरी को हमने कभी टच नहीं किया और पूरी ग्रीनरी के साथ फर्स्ट ऐसे कैफे है। और ये इसी मिशन में पूरे इंडिया पे जा रहे हैं, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। यस, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अरे आप लोग यही थे? रात को जंगली जानवर ना जाओ, सेवा में खड़े थे। और इसके साथ एक अच्छी बात है, ये ना वॉशरूम बन जाता है यहाँ, वो कर्टन आया पूरा। अच्छा, चेंजिंग रूम है तो एक वो बन जाता है भाई। थैंक यू सो मच भाई, आ गया, गर्मी बहुत है मेरे भाई, मेरा सुबह से वेट कर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये छोटा अपना सुबह है। और ये अभी गुड़गांव टू कन्याकुमारी करके आई है। गुड़गांव टू कन्याकुमारी कितने दिन में? दिन देखिएगा 14 days। इनका नाम थारिणी है, गाड़ी का नाम थारिणी है। 14 days करके आई, उसको इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी डाल दिया। अच्छा, शॉर्टेस्ट टाइम फॉर कंप्लीटिंग 9,000 kilometers बाय अ सोलो वुमन ड्राइवर। वाओ, इंस्पायरिंग। ये एक्चुअली में इनका जो मकसद है वो बताओ जी आप। मेरा एक ही मकसद है, वो मकसद यही है कि जब भी ना सड़क पे चलो तो सारे लोग ना, अरे वुमन ड्राइवर है, लड़की चला रही होगी, चला रही है मैडम, आपसे नहीं होगा, चाबी दे दो हम लगा देते हैं गाड़ी। ये सब सुन सुन के मैं पक गई हूँ। Women are the drivers of change, then they can be the drivers behind the wheel. Great thought, because again like my wife also is very good driver. He knows. पिछली बार यहाँ ले थे, जब मैं स्केयर हो रहा था, जहाँ ये घबरा रहा था वो नहीं घबरा रहा था। एक सेकंड नहीं लगाया। I give her any car, like Isuzu, Porsche, Creta, any car, just give. Thar भी दी हमने उसने यहाँ चलाने। First hand में full confidence. चला कौन रहा है? इंतजार कर रहा है, कहते ना शिकारी शेर का शिकार रहता है, शेर शिकार बैठा है, कह रहा शेर आन दो। सही सही है। आज आज कुछ अलग था उतार ले आपने भाई, टी शर्ट लोवर वाला बंदा देखा अपना भाई भी हमारे वीडियो में आना है, पगड़ी वगड़ी बांध के जाऊं।